हेलो व्हाट्सअप गाइस, दिस शो बॉय सागर ब्रह्म एंड यू आर वाचिंग टीवी। आज हम आ गए हैं अहमदाबाद में, यहाँ पर काइट फेस्टिवल चल रहा है। आप सब देख सकते हैं कितनी अच्छी पतंगें उड़ रही हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा काइट फेस्टिवल यहाँ पे अहमदाबाद में होता है, जो लगातार 1 वीक 7 दिन चलता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने लोग आए हैं घूमने के लिए। तो एंजॉय, आप भी यहाँ आइए, मेरा कहना है आपको, और एंजॉय कीजिए गुजरात की पतंग फेस्टिवल में। आप भाग लीजिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर फॉरेनर भी आते हैं, दूर दूर से आते हैं घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए। आप भी आ सकते हो। अहमदाबाद में रिवर फ्रंट है, वहाँ पे भी काइट फेस्टिवल हो रहा है। आज हम विजिट करेंगे टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ गुजरात। तो सामने आप देख सकते हैं, ये तो चलिए मेरे साथ। आप देख सकते हैं यहाँ पे गुजरात द लेजेंड एट अ ग्लांस। हम एक नज़र में गुजरात को देखेंगे। आपको हमारे करंट लोकेशन है अहमदाबाद, यहाँ पे है। अभी यहाँ पे काइट फेस्टिवल चालू है और फुल टू एंजॉय। दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, इंटरनेशनल फेयर है, सब घूम रहे हैं यहाँ पे, और बहुत मज़ा आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, और गुजरात में बहुत घूमने लायक जगह है। अब हम देखेंगे कि कहाँ का, और अभी हम आगे बढ़ेंगे। ये है द्वारका टेम्पल, यहाँ पे मैं गया हूँ एक बार। आई थिंक मैं 9th में था तब, और मैं घूमने के लिए गया था द्वारका टेम्पल। जो और वो यहाँ पे सेटल हुए थे, हमको ज़्यादा हिंदी छोटे हिंदी नहीं आती, तो चलिए आगे। आप देख सकते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी, वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टैचू, 182 मीटर। ये सबसे बड़ा स्टैचू है दुनिया का, और ये है नर्मदा जिले में केवड़िया कॉलोनी। भाई ने जैसे बताया, मुझे नहीं पता था, तो हमें हम आगे बढ़ेंगे। घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। सरदार सरोवर डैम जो अमरकंटक से निकलता है, नर्मदा नदी, आई थिंक MP में है वो, वहाँ से नदी निकलती है, और ये सरदार सरोवर डैम पे वहाँ पे बना है, और वहाँ पे पानी जमा होता है, यहाँ पे बिजली भी उत्पन्न होती है। इस डैम से इंडिया के 3 राज्यों में पानी सप्लाई किया जाता है, जैसे है हमारा MP मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और अपना गुजरात। महाराष्ट्र MP नो राजस्थान में भी शायद भेजते हैं पानी, I am wrong, sorry। राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र में यहाँ से पानी जाता है, बिजली भी उत्पन्न होती है। तो चलिए आगे, एंड सॉरी फॉर माई मिस्टेक। ये पता नहीं कुछ गुजरात का कल्चरल है, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन देखने में बहुत अच्छा लग रहा मुझे। हैंडलूम वर्क कच्ची औरतें जो हैंडलूम बनाती हैं इंटरनेशनल फेयर में, वो सब लेके जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छा हैंडलूम वर्क है। गुजरात का सबसे टॉप क्लास हैंडलूम बागड़ी यहाँ पे बनता है भुज में, और इसको हम गुजराती में बोलते हैं कच्चनो फुटको, इट्स लाइक टू गो। ये घर के लिए कचनो कोच है, एंड दुनिया भर से लोग आते हैं विजिट करने के लिए। बहुत अच्छी जगह है गुजरात में, आप भी आइए, घूमिए, मजे लीजिए। और ये है पाटण की राण की वाव। किसने बनाई थी मुझे पता नहीं, बट एक रानी थी, उन्होंने अपने पति की याद में ये बनाई थी। राण की वाव है, पाटण में है, जो बहुत अच्छी है, आप विजिट कीजिए कभी, बहुत अच्छा लगेगा। ये पता नहीं क्या है मुझे, बट ये हमको पता ही, हमारे गांव में भी है कंकावटी। ऐसा है, हमारा विलेज है द्रांगद्रा से कंकावटी, आप वहाँ विजिट करने आइएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा, पैसे नहीं लूंगा। अंबाजी टेम्पल जो माउंट आबू में है, और आप वहाँ पे जाइए, यहाँ पे बहुत श्रद्धालु आश्रय है, अपनी मन्नत रखते हैं और उनकी मन्नत पूरी भी होती है। सो अभी हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अभी मैं लास्ट ईयर ही यहाँ पे गया था, कुछ में बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए। आपने लगान तो देखी होगी,
उसमें जो लिखा है बिना अंग्रेज जहाँ पे पार्टी करते हैं ये वही पैलेस है, मैं गया था, बहुत अच्छा है। हम देख चुके सर, उनकी शूटिंग भी यहीं पे हुई थी और बहुत सारी फिल्में जैसे ये आर राजकुमार है उसका गाना भी यहीं पे शूट हुआ था, यहाँ पे खड़ा हो गया चाहे उसने डांस किया था साड़ी के पहुँच का। और ये भुज भुज से कुछ 80 किलोमीटर दूर है, मांडवी जब जाते हैं बीच में आता है ये आज दिन। और आप देख सकते हैं लक्ष्मी विला वड़ोदरा, बहुत अच्छा लग रहा है देख के ही, कभी जाना चाहूँगा मैं यहाँ पे वड़ोदरा में है, आप भी जाइएगा। जब मैं 4 साल का था तब गया था, तभी ऐसा कुछ कैमरा वैमरा होता नहीं था तो मैं ऐसे ब्लॉगिंग नहीं कर सकता था, अभी है तो कर रहा हूँ लेकिन फोटो में ही, रियल में नहीं। अभी मुझे जाने की बहुत इच्छा है, यहाँ पे लिफ्ट लोग होता है जैसे ऐसे बैठ भी जाते ऊपर। सो लास्ट टाइम मैं जब गया था तब बंद हो गया था, इसलिए मैं जाना चाहूँगा। ये है सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में है, मैं यहाँ पे गया था जब मैं 8th standard में था और स्कूल की तरफ से पिकनिक था, मैं गया था, बहुत अच्छी जगह है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ये पहला ज्योतिर्लिंग है, बहुत अच्छा लगेगा। तो गाइस ये था हमारा गुजरात जो हमने एक ही नज़र में विजिट कर लिया, हम कहीं नहीं गए फिर भी हमने सब कुछ घूम लिया। आप भी आइए, घूमिए फिरिए, मज़े करिए, और बहुत अच्छा लगा मुझे भी घूम के। अभी फिलहाल मैं काइट फेस्टिवल में हूँ तो चलो एंजॉय करते हैं। और मेरा भाई है जतिन जो हमारे कैमरा मैन है, देख सकते हैं यहाँ पे, थैंक यू ब्रदर एंड नाइस टू मीट यू। अब हम यहाँ पे आ गए, अकेले हैं और कुछ देर पहले मैं अकेला था लेकिन मेरा भाई आ गया मेरे लिए, बहुत अच्छा लगा। ओके बाय गाइस, बाय। अरे जतिन जतिन एक 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 स्टेप, एक स्टेप हमारे जतिन भाई भी स्टेप करें। गाना हम समाना तो सीधे भाई, हमें गामड़ा मत आए थे भाई। कमरिया डोले अभी हम आ गए हैं छोटी यूनिटी के पास, सरदार पटेल की छोटी यूनिटी है यहाँ पे, देख सकते हो आप, सरदार पटेल है मेरे पीछे, लोह पुरुष जिनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लोह पुरुष कहा जाता है क्योंकि बचपन में जब उनको एक छोटा सा उसको क्या बोलते हैं पोड़ा हुआ था यहाँ पे बगल पे, और यही हुआ था ना, तो जो वैद्य जी थे उन्होंने ऐसे कुछ गर्म सड़िया हटाया, मीन्स के टच कराया, हटाया नहीं गुजराती में उसको क्या बोलते हैं हिंदी में यार, मतलब उसे टच किया था, तो तब से उनको लोखंडी पुरुष कहा जाता है। ओके जाके पीछे चुप डरा, इन पहाड़ों के चमकता जुगनू जैसे तारे ला, इन फिजाओं में लपक के बांधा मैंने फीता छाप छोड़े चला, मुझे किस किस ने क्या क्या भटकता रहा मैं सिर्फ आवारा, मैं एक बादल में चलता रहा गगन बरस पड़ा तो आवा।